कोरोना काल में मनरेगा योजना लोगों के लिए संजीवनी बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में मनरेगा में 50,21,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। भीलवाड़ा में अब तक 4,11,132 लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल पाया है। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन का इस पर कहना है कि लोगों को रोजगार की समस्या ना हो, उनके हाथ में समय पर पैसा पहुंच सके, इसके लिए राजस्थान में मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी दिनों में ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने पीसी किशन से की खास बातचीत। देश इस समय कोरोना संकट की महामारी से जूझ रहा है और ऐसे समय में लोगों के सामने रोजगार और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मनरेगा योजना रोल मॉडल बनकर देश भर में उभरी है। राजस्थान देश भर में एक नंबर पर है। आज 50 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिक राजस्थान में रोजगार पा रहे हैं। हमारे साथ हैं इस पूरी 50 लाख संख्या जो राजस्थान में हुई और इस योजना को मूर्त रूप देने में भूमिका निभाने वाले राजस्थान के मनरेगा आयुक्त पीसी किशन साहब। किशन जी, ये आज 50 लाख से अधिक श्रमिक संख्या राजस्थान में हो गई है। मनरेगा की बात करें तो ये संख्या अभी तक कितनी पहुंचेगी आगे और क्या क्या इन श्रमिकों को सुविधाएं दी जा रही हैं? इसे गत वर्ष आज का तारीख में 8 जून 2019 को हमारा 32 लाख और 33 लाख लेबर था और उसका कंपैरिजन में हमारा 17-18 लाख लेबर बढ़ी है। 50,20,000 लेबर आज चल रहा है। तो मतलब अभी भी मतलब जो प्रवासी मजदूर है, मजदूर जो बाहर का स्टेट से लौटे हैं और जो भी लोकल व्यक्ति साहब है जो मतलब आजीविका संकट से जूझ रहे हैं, उनका तरफ से नरेगा का पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उम्मीद करते हैं कि और 1-2 लाख लेबर बढ़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमारा पास केवल 1 करोड़ जॉब कार्ड है, उसमें से 50 लाख बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या होता है। हमारा मतलब जैसे ही ज़्यादा लेबर लगाते हैं उसका साथ 3-4 चीज़ हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड प्रोटोकॉल बोलते हैं, मतलब जो उनका सोशल डिस्टेंसिंग, उनको मास्क पहना करके काम करवाना, उसका बाद उनमें मतलब कुछ हाइजीन मेजर्स फॉलो करना, जैसे उसमें थूकना, ये सब चीज़ का पर बैन है, वो सब इम्प्लीमेंट करना। उसका पर से मतलब जो 4 बार प्रतिदिन उनको साबुन से हाथ धुलवाना, ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ जो प्राथमिक उपचार का जो किट है उसमें बेसिकली साबुन रखा गया है और 4 बार उनका हाथ धुलवाया जाता है और मास्क नहीं तो गमछा उनको पहनाया जाता है और वो सब मतलब उसका उस जो वो सब एनफोर्स नहीं करते हैं तो मेट्स का विरुद्ध में भी कार्रवाई होता है। और साथ साथ में मतलब कभी कभी जो कार्यस्थल का जो प्रबंधन है अच्छा ना होने का वजह से मजदूरों को कम वेज रेट मिल जाता है, जिसमें भी वो सब आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं तो उसका तुरंत जाँच करके उनका सही वेज रेट निकालना होता है। छह आपने भरवाए, लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से उनको रोजगार का अधिकार मिल सके, इसके लिए प्रपत्र 6 भरे, लेकिन सर इस संकट के समय लोगों को उनकी मजदूरी का है वो पूरा पैसा मिल सके, इसके लिए नरेगा के जो श्रमिक रेट है वो भी आपने बढ़ा दिए, साथ ही नरेगा में जो 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की कार्य था वो आपने मांग किया, केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि 200 दिन किए जाए, तो अभी क्या स्थिति है, कितनी मजदूरी की रेट है वो राजस्थान में श्रमिकों को? अभी मजदूरी का जो 220 रुपया मतलब निर्धारित है तो ये तो टास्क आधारित है, जहाँ टास्क 100% काम कर रहे हैं तो उसमें 220 ही पूरा मिल रहा है और जहाँ मतलब कम काम कर पा रहे हैं तो 200 रुपया से कम भी मिल रहा है, और मेट्स को 235 रुपया है, 235 रुपया उनको मेट्स को मिलता है। तो बेसिकली कार्यस्थल का प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज उनका रेट कम आए और प्रॉपरली मतलब प्लस उसका साथ साथ समय पर भुगतान बहुत जरूरी है। तो बड़ी संख्या हो गई है, 50 लाख से ऊपर श्रमिक संख्या पहुंच गई है, तो क्या श्रमिकों को समय पर उनका भुगतान हो रहा है? समय अभी तक तो समय पर भुगतान कर पा रहे हैं लेकिन धीरे काफी 1% काफी एक घटा है। एक्चुअली 99.6% टाइमली पेमेंट था, वो 99.5% टाइमली पेमेंट हो पा रहा है। कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि जहां जो बाल मजदूर हैं उनको नरेगा के तहत लगाया जा रहा है, जो नरेगा में नाम किसी और का है और काम कोई और कर रहा है,
ऐसी खबरें आ रही थी, तो क्या उनकी ऑडिट करवाई जाएगी, क्या कार्रवाई? ये एक खबर आई थी बांसवाड़ा जिला से, उसमें हम जांच किए थे और काफ़ी आंशिक सत्य था, पूरा पूर्ण सत्य नहीं था। नॉर्मली क्या होता है कि जो मतलब माँ का जगह में, माँ काम कर रही थी, बाद में बच्चा वहाँ टिफिन लेकर के आया और माँ को हेल्प किया उसमें, तो वो उसमें काम किया, उसका नाम मास्टर रोल में बच्चा का नाम नहीं था। ये बेसिकली बाल श्रम तो पूरा ही बैंड है नरेगा में, जो भी 18 साल से कम उम्र वाला किसका इसमें किसको एंगेज नहीं किया जा सकता है। और जब मतलब बहुत बड़ा स्केल में हम काम करते हैं, कुछ कुछ 19-20 ऐसे मिस्टेक्स हो भी सकता है, तो उसका लिए हमारा मतलब रेगुलर इंस्पेक्शंस करने को लिए हम निर्देश दिए हैं। जो DPCs इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिला कलेक्टर सब इंस्पेक्ट कर रहे हैं, BDOs इंस्पेक्ट कर रहे हैं, XCNs इंस्पेक्ट कर रहे हैं, JTS 100% काम का इंस्पेक्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में आई है, तो ऐसे में उनके सामने ये भी सामने आ रहा था कि जॉब कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, उनको नरेगा में श्रमिक रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आपके विभाग ने दावा किया कि करीब 12 लाख से अधिक जो प्रवासी श्रमिक राजस्थान आए हैं उनको नरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। अच्छा, वैसे जो प्रवासी श्रमिक बाहर से मतलब राजस्थान आए हैं, उसका लेकर के दो प्रकार का डाटा है। एक डाटा तो जो है कि मतलब आपका सरकारी ऑफिशियल डाटा है, जो परमिशन का साथ आए, जो पास का साथ आए, जो बस में आए, जो ट्रेन में आए, वैसे टाइप का है। दूसरा जो चीज़ है, जो बेसिकली चल के आए, वो वाला डाटा इनका पास, हमारा सरकार का पास नॉर्मली नहीं है। लेकिन नरेगा का वेबसाइट को अच्छा से, नरेगा सॉफ्ट को एनालिसिस करने से प्लस सरपंचों से फीडबैक लेने से पता चलता है कि ये वाला संख्या 15 लाख से भी ज़्यादा है, जो मतलब ऑलरेडी आ चुके हैं। और हमारा जो नरेगा में जो काम कर रहे हैं प्रवासी श्रमिक, उनका संख्या 12 से 13 लाख का बीच में बैठता है। और जो ऑफिशियली हम जो जॉब कार्ड बनाए हैं मतलब प्रवासी श्रमिकों को, वो 1.7 लाख से ज़्यादा बैठता है। तो मतलब जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहा है, उसमें 85% से लेकर तक का लोगों का पास पहले से जॉब कार्ड था, इसलिए नया जॉब कार्ड उनको बनाने को लिए नहीं पड़ा। लेकिन जिसका पास जॉब कार्ड नहीं था, जो 5 साल से 10 साल से सोचो मतलब राजस्थान छोड़ करके बाहर काम कर रहे थे, वैसे लोग जब राजस्थान वापस आ गए, उनका भी जॉब कार्ड बनाने को लिए हमको एक विशेष अभियान चलाना पड़ा है, और वो 30 जून तक चलेगा। अभी तक उसमें 1.7 लाख नया जॉब कार्ड्स बने हैं और डेली कुछ कुछ जॉब कार्ड बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे नरेगा आयुक्त PC किशन, जिनका कहना है कि आज नरेगा में 50,21,000 लोग राजस्थान में रोजगार पा रहे हैं। साथ ही जो प्रवासी माइग्रेंट लेबर राजस्थान आई थी, उनको भी जॉब कार्ड बनाकर रोजगार दिया जा रहा है। 13 लाख से अधिक प्रवासी जो राजस्थान में आए थे, उनको नरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। आज देश में एक नंबर पर राजस्थान श्रमिक नियोजन के मामले में है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।